नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। के व्यूअर ने कहा था कि कादर खान अब नहीं रहे, तो उनके लिए एक विशेष वीडियो बनाइए उनके जीवन पर आधारित, जिसे आम लोग नहीं जानते हैं। आपने कादर खान की बहुत सी वीडियो देखी, बहुत सी चीजों को देखा, लेकिन आज हम आपके साथ मौजूद हैं उन चीजों को बताने के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कादर खान से संबंधित कौन सी चीजें हैं जो आप तक हो सकता है कि दबी हुई होंगी या नहीं होंगी। कादर खान तो शख्सियत थे और इतना बड़ा इमेज बहुत कम लोगों को होता है जो विलेन से कॉमेडी तक का सफर सुपरस्टार के रूप में अपने जीवन के बचे हुए पल में भी उन्होंने पूरा किया। लेकिन हम आपको आज उनसे जुड़ी हुई कई रोचक जानकारी देंगे जो आप संभवतः नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको हम साथ में कादर खान से जुड़ी हुई बहुत सी पिक्चर की पहले आप तस्वीर देखिए, कौन कौन सी पिक्चर कादर खान की लगातार जो हिट आती रही है। और ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, अफगानिस्तान से लेकर भारत तक में ये जो पहचान होता है ये कम लोगों को ही होता है कि कादर खान पहले तो स्टोरी राइटर थे, उसके पहले इंजीनियर थे और फिर उन्होंने अपने आप को एक कॉमेडियन के रूप में स्थापित कर दिया। और कई आपने देखा होगा गोविंदा से लेकर अलग अलग लोग अब बहुत ज्यादा उनके मन में उदासी है कादर खान को लेकर के। तो ये जो आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे इस समय में, ये सारी मूवी अलग अलग वक्त में आई है और कादर खान का हम रोल रहा इस मूवी के हिट होने में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि कादर खान ने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी थी और वो कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर वो फिल्मों में नहीं आते तो वो एक आर्किटेक्ट होते, एक इंजीनियर होते। तो कादर खान ने एक बीटेक करने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी थी, तो और उसके बाद इंजीनियरिंग का प्रोफेसर भी रहे कई वर्षों तक। तो जाहिर सी चीज है कि आर्किटेक्ट और फिर टीचिंग लाइन में रहने के बाद उन्होंने फिल्म अभिनय को चुना था और उनके फिल्म का शायद ही कोई लोग होगा जो उनकी फिल्म से मोहब्बत नहीं करता होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कादर खान की रही है। 200 फिल्म अगर आप देखें तो उसको लिखा उन्होंने, उसके लेखन जो था राइटर और स्क्रिप्ट पर, पहले जमाने की कोई पिक्चर देखेंगे तो उसमें स्क्रिप्ट एंड रिटेन बाय कादर खान जी का नाम आता है। तो 300 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग किया है, 200 फिल्म के वो राइटर थे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि बहुत बड़ा कार्यकाल में उन्होंने ये सब कुछ कर दिया। अफगानिस्तान में 22 अक्टूबर 1937 को जन्म हुआ था। 1937 इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस वर्ष में भारत में एक सरकार का गठन हुआ था। 1937 ईस्वी में जब ब्रिटिश के जमाने में इलेक्शन हुआ था तो उस समय में ब्रिटिश इंडिया में ही एक सरकार बनी थी। 22 अक्टूबर 1937 के आसपास की बातें हैं और बाद में धीरे धीरे डिवीजन होने लगा। तो अफगानिस्तान से लेकर भारत का ये सफर 1937 से लेकर 2019 तक का ये बहुत बड़ी सफर रही है। तो हम आपको ये बता दें कि क्या आप जानते हैं कि उन्हें ब्रेक कैसे मिला था। वो जब प्रोफेसर थे उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने बॉम्बे में संघर्ष किया शुरुआती दौर में, और 1973 में दाग फिल्म जो है ना, दाग से उन्होंने डेब्यू किया और उसके पहले राइटर का उन्हें ब्रेक दिया गया था। राजेश खन्ना उन दिनों सुपरस्टार थे, तो राजेश खन्ना के पास ये गए, फिर कई डायरेक्टर से मिले तो उन्होंने इन्हें लिखने के लिए कहा। तो इन्होंने जवानी दीवानी फिल्म में चीजों को लिखा, इनका रिटेन स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया और धीरे धीरे फिर ये विलेन के रोल में आ गए। पिक्चर का नाम आपने देखी भी होगी, धर्मवीर, कूली, हिम्मत वाला, मुकद्दर का सिकंदर, अग्निपथ, अमर अकबर, एंथोनी, ऐसी सैकड़ों पिक्चर है जिसकी कहानी और डायलॉग जो आज तक चलते हैं ये सारा कादर खान जी ने लिखा था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो वास्तव में थी। और 90 के दशक में देखिए ट्रेंड चेंज हुआ, जब विलेन में भी चेंजिंग आया 90 के दशक में, तो कादर खान ने कॉमेडी ट्रेंड को अपना लिया। और गोविंदा के साथ आपने कई पिक्चर देखा होगा, शायद ही कोई पिक्चर होगी जो फ्लॉप हुई होगी, सारी पिक्चर सुपर हिट है। तो आप देखेंगे तो वो एक जो एक कड़ी थी, एक जो सिक्वेंस था वो लगातार रह गया।
दूल्हे राजा देख लीजिए आप, कुली नंबर वन, आंखें हैं, राजा बाबू, ऐसी सैकड़ों फिल्में यहाँ भी हैं। कादर खान को 3 बार राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है, 2 बार राइटर के लिए और 1 बार बेहतरीन एक्टिंग करने के लिए। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने उनके लिए 22 फिल्म को लिखा है। अगर आज वो महानायक और सुपरस्टार है तो कादर खान जी का बहुत बड़ा रोल रहा था उसमें, क्योंकि कादर खान की जो लेखन शैली थी और जो दमदार जो डायलॉग होता था जो आज तक चलता है, और कई मूवी आप देखेंगे कि पुराने मूवी आज भी ये चल रहा है। अमिताभ बच्चन के बाद वे दूसरे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई दोनों के लिए इतना काम किया है। तो विलेन के साथ कॉमेडी करना ये एक नई ट्रेंड को लाया था, और यही कारण है कि कादर खान की कमी फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा रहेगी, और लेकिन कादर खान को फिल्म इंडस्ट्री और पूरा देश और दूसरे देश के लोग सारे लोग आजीवन याद करते रहेंगे। यही तो कादर खान की खासियत है। झारखंड अब तक न्यूज लाइव के द्वारा एक विनम्र श्रद्धांजलि।